लाइक का बटन लाजमी दबा दें, जो अनसब्सक्राइब है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कहेंगे हमारी कढ़ाई रेडी हो जाए, फिर हमसे मिलते हैं एंड में। अभी हम अपनी कढ़ाई रेडी करते हैं। देखिए हम बना रहे हैं चिकन के साथ कलेजी। मैं सिर्फ कलेजी ही बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी बोटियाँ चिकन की भी ले ली। और ये देखें दोनों को मैंने बारीक बारीक मतलब छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। ये थोड़ी सी अनियन ली है, ये गरम मसाले में मैंने लिया है कुटी मिर्चे, पीसी मिर्चे, हल्दी, पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया भी है, थोड़ा बहुत गरम मसाला, ये दही भी लिया है और मैंने टमाटर भी लिए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें डलेंगी तो हमारी बनेगी चिकन कलेजी। जी देखिए एक बाउल के अंदर हमने रख ली है कलेजी को, निकाल ली, अच्छी तरह धोई है 2-3 बार। चिकन और कलेजी को अच्छी तरह वॉश कर लें, बस पानी बिल्कुल वाइट हो जाए, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालें इसके अंदर। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, दोनों चीज़ मिक्स करके बनेंगी तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त आने वाला है टेस्ट। चूँगी इसमें भी लहसुन का पेस्ट डालूंगी, बाद में भी मसाला भूनूंगी उसके अंदर भी लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, इसलिए लहसुन अदरक मैं ज़्यादा ही लेती हूँ। ज़्यादा लेंगे तो उसमें खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। देखें इसको मिक्स करके मैं रख दूँगी। और इसमें जो मैंने कुटी हुई मिर्ची ली है 1 स्पून, 1 स्पून मैंने पीसी हुई मिर्चे, और 1 स्पून मेरा 1 स्पून से कम पिसा हुआ धनिया और कुटा हुआ धनिया भी लिया है, ये दही डाल दी मैंने इसके अंदर। टमाटो का पेस्ट बाद में डालेंगे। अब इसके बाद हम ये सारे जो मसाले हैं डालना चाहें बाजार के भी डाल दें, लेकिन मैं ज़्यादातर घर के ही मसाले बना के अपनी रेसिपी तैयार करती हूँ, अपने खाने तैयार करती हूँ। जी चलिए स्पून की मदद से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, और थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट डालने से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ये होता है कि लहसुन अदरक पेस्ट डालने से ना हीक मर जाती है कलेजी की भी और चिकन की, ख़ासतौर पर कलेजी की। तो मेरा मकसद यही था कि आप थोड़ी देर मैं इस तरह मसाले लगा के रख दें तो आपकी हीक मर जाएगी कलेजी और चिकन की, और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। और मैंने इन सबको मिक्स करके रख दूँगी मैं, ये देखें थोड़ी सी देर के लिए रख लेंगे जब तक मैं दूसरी साइड पे मसाला मुझे रेडी करना है इसका। देखें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला तो इसमें बहुत छींटे आने लगी, और ये अनियन भी थोड़ी बहुत जो होता है इसको भी डाल दूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट में जो है इसको मैं भून लूँगी, और छींटे खूब आ रही हैं लहसुन अदरक के पेस्ट की, और खुशबू भी तो बहुत ज़बरदस्त आती है ना। चले ठीक है, स्पून की मदद से अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। लहसुन अदरक के पेस्ट को प्याज के साथ मैं भून लूँगी, थोड़ी बहुत प्याज है, ना भी ले तो चलेगा, मैंने थोड़ी बहुत प्याज डाली है, ज़्यादा नहीं डाली खुशबू के लिए। अब इसके बाद मैं जो मैंने बाउल में रखी थी चिकन उन सबको मैं ऐड करूँगी इसकी अच्छी तरह मतलब खुशबू कर लूँ, लहसुन अदरक को भून लूँ अच्छी तरह। भूनने के बाद फिर हम इसमें जो बाउल में चिकन थी वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको जो हमने मैरिनेट करके रखा था हम इसके अंदर डालेंगे, और प्याज हमारी जल रही है जल्दी साफ हो जाता है। ये देखिए पूरा बाउल भी हम साफ करके जो भी मसाला लगा है इसके अंदर डाल देंगे हम, और सिर्फ हमें ये कलेजी जो है फौरन ही तैयार हो जाएगी, लेकिन हमने इसकी सिर्फ भुनाई करनी है, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। अभी तक मैं कलेजी को भून रही हूँ, कलेजी और जो चिकन का पानी था वही छोड़ा है, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कलेजी में भी डाला और मसाले में भी डाला आपके सामने ऑयल के अंदर, और अच्छी तरह मैं इसकी भुनाई करूँगी। बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी भुनने की खुशबू आ रही है, ऑयल देखें अलग हो गया है, पानी नॉर्मल वाटर तो मैंने बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसमें अच्छी तरह से गल जाएगी हमारी कलेजी ऑयल के अंदर। फिर हम टमाटर का पेस्ट, और इस पेस्ट में दही भी तो ऐड था ना, दो दही का भी पानी होता है, और देखिए अच्छी तरह मैं इस पानी में दही में मसाले में इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी, आधी से ज़्यादा इसके अंदर फ्राई हो जाएगी हमारी कलेजी चिकन, और उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालेंगे। जी देखें ये एक बॉल हमारा टमाटर का पेस्ट है, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है पहले देखिए अच्छी तरह वो गल चुकी है हमारी कलेजी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब पानी छोड़ेगी हमारा ये टमाटर, अब बस टमाटर के अंदर इसको मुझे भूनना है।
ये देखिए अच्छी तरह भुनाई करनी है टमाटरों के अंदर। मैं इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर रही हूँ और फिर इसी के अंदर ये कलेजी हमारी हो जाएगी रेडी। कोई नॉर्मल वाटर नहीं डालना होगा हमें। और अभी जब मैंने अच्छी तरह भुनी और अब मैं भून रही हूँ, अच्छी तरह इसकी हमें करनी है भुनाई। जी भाई देखिए हमने हरा धनिया डिप करके रखा है और हमारी चिकन और कलेजी, कलेजी में मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा कलेजी है मेरी और तकरीबन चिकन भी अच्छी खासी अंदाजा नहीं था कितनी है चिकन, 1 पाव से ज़्यादा ही होगी तकरीबन, ये 1/2 kg आधा किलो का वजन होगा। हम बना रहे हैं आज कढ़ाई चिकन कलेजी और ध्यान से देखिए इसकी रेसिपी। और मैंने इसको लहसुन अदरक मैंने इसमें अच्छा खासा डाला है, लहसुन अदरक बाउल में भी डाला था और उसके बाद भी आपके सामने सब है। और देखिए अभी जो पानी है ना सिर्फ ये टमाटरों का पानी है और दही का पानी है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। और इसको हम रेडी करते हैं, रेडी करने का फाइनल लुक आपको दिखाएंगे अपनी चिकन कलेजी कढ़ाई की और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। इसमें कोई पानी ऐड नहीं होगा, सिर्फ टमाटरों के और दही के पानी में ये बनेगी कलेजी और चिकन। और बस लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने अच्छा खासा लिया है और जो बड़ी खुशबू अच्छी ज़बरदस्त आ रही है। थोड़ी भुनाई कर लें इसमें जो है ऑयल ऊपर आ जाए और इसकी मैं कर रही हूँ अच्छी तरह भुनाई। और ये फिर हो चुकी है रेडी। यूँ कर दीवार पे ले रही हो? यूँ बस मैं डिपिंग कर दूँगी, बस ऐसे रोक के बनाती रहो, हिलो मत। ये भी देखें हमारी चिकन चिकन कलेजी जो है बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। फुल व्लॉग वॉच करें, देखें ऑयल के साथ साइड में आ चुका है मेरी चिकन कलेजी रेडी। ये देखें दोबारा से हमने इस पर लगाया और ये बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन कलेजी। इसको हम ढक के रख देंगे। आज मैंने बनाई है आप लोगों के लिए चिकन कलेजी कढ़ाई, चिकन अच्छा कलेजी है, कलेजी के साथ मैंने चिकन ऐड की है और बहुत लजीजा बनी है। अभी हमने कढ़ाई में कोयल लगा कर उसको ढक के रखा हुआ है, भी हमने खाया नहीं है और हरा धनिया डाल के और खूब उसको पैक करके रखा हुआ है चिकन और उसमें डालिए कलेजी। कलेजी कढ़ाई के लिए लेकिन उसके अलावा मैंने चिकन भी डाल दिया और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत लजीजा बनी है। आप अपने घर के ही मसालों में बना सकते हैं चिकन कलेजी कढ़ाई, तो फटाफट क्विकली बनाएं आप चिकन कलेजी कढ़ाई और मेरी फुल रेसिपी वॉच करें। अब बहुत ईजीली घर में ही बना सकते हैं, हर रेसिपी हर खाने को बनाने के लिए वो मांगता है आपसे टाइम। आप चाहे घर के मसाले ऐड करें लेकिन लेकिन आपको प्रॉपर सारा फोकस अपना है खाने पे रखना है और उसकी करनी होती है भुनाई। जितनी ज़्यादा भुनाई अच्छी करेंगे ना तो आपका खाना उतना अच्छा बनता है। फिर मैं इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट व्लॉग में आपकी सिस्टर जल्द मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।